अभी जो हम क्लास या जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, या जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि कैसे शरीर के अंदर जो है रक्त का या अन्य अन्य पोषक पदार्थों का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे हमारे शरीर में रक्त और अन्य पोषक पदार्थों का जो है बहाव होता है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही में ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर में कितनी भी प्रकार की जो है रक्त नलिकाएं होती हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में या परिसंचरण तंत्र में हिस्सा लेती हैं और हमारा मदद करती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र और उसको टॉपिक वाइज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, आज आप इस तंत्र के अंतर्गत जो है आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रक्त बॉडी के किन किन पार्ट से होकर गुजरता है और कैसे ब्लड के द्वारा जो है बॉडी के हार्ट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और हार्ट कैसे पंपिंग करके रक्त को पूरे शरीर में फैला देता है। ये सभी चीजें समझेंगे और ये भी जानेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही जो हृदय का आकार आप लोग जो है आर्टिफिशियली बनाते हो, वो हृदय का आकार एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको हृदय यानी कि हार्ट बनाकर दिखाऊंगा भी कि हार्ट कैसा होता है और हार्ट के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, और हार्ट के वो कौन कौन से हिस्से हैं, वो कौन कौन से चैम्बर है, और ह्यूमन जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे, कितने कोष्ठकों का होता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी चीजें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसकी खोज 1628 ईस्वी में, कब दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार, 1628 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था दोस्तों? विलियम हार्वे। 1628 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। जानकर आपको बहुत ही हैरत होगी कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हमारे फिजियोलॉजी का इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये, इसके बारे में इन महोदय ने जो है स्टडी किया और हमें बताया। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में या रक्त के परिसंचरण में मदद करते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कंपोनेंट जो है इनको हम लोग सिराए कहते हैं, सिराए। ठीक है, या इसको सिराए कहना उतना उचित नहीं होगा, इसको हम लोग एक नाम देंगे यानी कि रक्त नलिकाएं। क्या कहेंगे? रक्त नलिकाएं। अब ये रक्त नलिकाएं क्या है दोस्तों? रक्त नलिकाओं को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं। तो अब आप देखेंगे कि रक्त नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ, तीन तरह की रक्त नलिकाएं होती हैं। पहले को हम लोग कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? आर्टरीज। ठीक है, दूसरे को हम लोग कहते हैं, आर्टरीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं महाधमनी या सिर्फ धमनियां भी कह सकते हैं, धमनियां। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा है उसको हम लोग वेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वेंस यानी कि सिराएं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिराएं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिराएं। और जो तीसरा है जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिलरीज यानी, कैपिलरीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाहिकाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाहिकाएं। ठीक है, तो ये तीन भाग हो गए ब्लड वेसल्स का। सबसे पहला पार्ट क्या है?
ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं, पहला कंपोनेंट है रक्त नलिकाएं और उसके तीन पार्ट है। पहले पार्ट को आर्टरीज कहते हैं यानी धमनिया या महाधमनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है जिसको हम लोग वेंस कहते हैं या इनको सिराओं के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में हम लोग इनको सिराएं भी कहते हैं। और जो तीसरा पार्ट है इसको कैपिलरीज कहते हैं यानी कि वाहिकाएं, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग कहते हैं हार्ट यानी कि हृदय। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ट यानी कि हृदय। तो हृदय ये दूसरा कंपोनेंट है। अब ये इन्हीं दो कंपोनेंट्स के द्वारा पूरा रक्त का परिसंचरण तंत्र समाहित होता है। एक और भी पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेफड़ा यानी कि लंग्स। लेकिन लंग्स दोस्तों, लंग्स का अध्ययन हम लोग हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं यानी कि श्वसन तंत्र में करते हैं। तो अभी इन दो पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। इन दोनों पार्ट्स से हम लोग ये पूरा समझ जाएंगे कि कैसे मनुष्य के शरीर के अंदर जो है परिसंचरण होता है यानी सर्कुलेशन होता है। तो उस सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करने के लिए आज हम सबसे पहले आपको शुरू करेंगे कि रक्त नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज ये क्या होती हैं और इनका रोल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं रक्त नलिकाएं, ठीक है। रक्त नलिकाएं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, कईयों बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है कि रक्त नलिकाओं में कि धमनियां क्या होती हैं, या धमनियों से अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो कौन सी रक्त नलिका होती है जो सबसे अधिक जिसका थिकनेस सबसे ज्यादा होता है और जो सबसे अधिक लचीली होती है वो कौन सी रक्त नलिका होती है। तो आपका आंसर होगा धमनी या महाधमनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो कौन सी रक्त नलिका होती है, जो रक्त का रक्त में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में करती है, ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करती है, उसको हम लोग कहते हैं रक्त नलिकाओं का धमनी वाला भाग। यानी धमनियां क्या करती हैं, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न, ओके। सो दोस्तों, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रक्त नलिकाएं लचीली इसलिए होती हैं, धमनियां लचीली इसलिए होती हैं क्योंकि हृदय के द्वारा जब उसमें पंपिंग किया जाता है, हृदय के द्वारा जब उस पर प्रेशर डाला जाता है तो वो प्रेशर जो है प्रेशर से जो है किसी तरह का क्षति न पहुंचे, किसी तरह का हर्ट न हो, इस वजह से उनको लचीला बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो धमनियां होती हैं इससे जो है प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ही हम लोग प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लड जो है हमारे बॉडी में पूरी तरह से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं धमनियां। क्या दोस्तों? धमनियां इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसके बारे में समझने से पता चलेगा। धमनियां, ठीक है, यानी कि आर्टरीज के नाम से जानी जाती है। धमनियां क्या कहलाती हैं? आर्टरीज कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं आर्टरीज होते क्या है और इनका रोल क्या होता है। सबसे पहले तो धमनियां जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन सा रक्त दोस्तों? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में अपवहित करती हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं ये जो धमनियां, क्या करती हैं? हृदय से शरीर के पूरे अंतरंग सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम करती हैं। ये धमनियों का काम होता है, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो धमनियां होती हैं वो अन्य नलिकाओं से अधिक चौड़ी होती हैं। अन्य नलिकाओं यानी कि वेसल्स से अधिक चौड़ी होती हैं। इसका मतलब क्या है? चौड़ा होने का मतलब यहां क्या है? चौड़ा होने का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया,
यानी उसका परिच्छेद काट का क्षेत्रफल जो है अधिक होता है, किसका होता है? तो आपके धमनियों का जो है परिच्छेद काट का क्षेत्रफल जो है अधिक होता है, इसलिए अधिक चौड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तीसरा जो इसका हिस्सा है वो ये है कि धमनियां जो है, धमनियां जो है अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अधिक अधिक लचीली होती है। कैसी होती है दोस्तों? लचीली लचीली होती है, यानी अब यहां ध्यान से समझिए, अपेक्षाकृत अधिक लचीली होती है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जो आर्टरीज होती है वो वेंस और कैपिलरीज के कंपेयर में अधिक फ्लेक्सिबल दीवारों पर वाल्व नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि मैंने ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है कि देयर इज नो वॉल फाउंड ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरीज, ओके, यानी कि आंतरिक दीवारों पर किसी भी तरह का वॉल नहीं पाया जाता है। ये जो है इसकी एक अलग विशेषता होती है, ठीक है। तो पहला विशेषता क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में अपोहित करती है, ओके। दूसरा है अन्य नलिकाओं यानी अदर वेसल्स जो होते हैं से अधिक चौड़ी होती हैं, जितने यानी वेंस से और कैपिलरीज से अधिक ये चौड़ी होती हैं। अपेक्षाकृत अधिक लचीली, देयर इज अ एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी इन दीस काइंड्स ऑफ द वेसल्स, ओके। चौथा जो है, आंतरिक दीवारों पर वॉल्स नहीं पाया जाता है, देयर इज नो वॉल्स फाउंड ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ द वेसल्स, ठीक है। तो ये जो है ये किसकी विशेषता है? धमनियों की विशेषता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरी विशेषता हम बताएंगे कि वेंस यानी कि सिराओं की विशेषता। तो सिराओं की विशेषता बहुत आसान है, जब आप धमनियों की विशेषता समझ गए तो सिराओं का विशेषता जो है यानी कि वेंस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझना और भी आसान हो जाता है। तो देखिये सिराओं की विशेषता समझिए, मतलब सिराएं होते क्या है, उनकी विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे हमने वेंस लिख दिया, वेंस यानी कि सिराएं। देखिए सिराएं जो है बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी इससे संबंधित। देखिए जैसे हमने बताया कि धमनियां जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हार्ट से पूरे शरीर में अपोहित करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक उसी प्रकार और जस्ट अपोजिट और उल्टा जो है सिराओं का फंक्शन है। सिराएं जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से, यानी पूरे शरीर के सभी हिस्सों से, शरीर से हृदय तक ले जाती हैं, यानी कि हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, हृदय तक ले जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आर्टरीज यानी कि धमनियों का काम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार जो वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, उस रक्त को, उस ब्लड को जो है क्या करता है ये शरीर के सभी हिस्सों से पुनः वापस लाता है, किधर की तरफ? हृदय की तरफ। तो ये बात समझनी होगी आपको। दूसरी चीज, ये जो है धमनियों के अपेक्षाकृत कम चौड़ी होती हैं, यानी कम चौड़ी होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी जो वेंस होते हैं वो धमनियों के अपेक्षाकृत कम चौड़े होते हैं और कम फ्लेक्सिबल होते हैं। तीसरा भी पार्ट है, तथा अपेक्षाकृत कम लचीले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? लचीले होते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से आपने वेंस के बारे में देखा। और चौथी जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यहां पर हम इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहे हैं, आप समझ जाना अब देखकर क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक वेंस की एक अलग विशेषता, अलग प्रॉपर्टी होती है कि इनके आंतरिक दीवारों पर आंतरिक
आंतरिक दीवारों पर, आंतरिक दीवारों पर वॉल्व्स यानी कि वॉल्व पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। क्या क्या करते हैं ये? आंतरिक दीवारों पर वॉल्व पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है आंतरिक दीवारों पर वॉल्व पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं और वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आंतरिक दीवारों पर वॉल्व क्यों पाए जाते हैं, क्यों जरूरत होती है वॉल्व को, ये बात समझना होगा आपको। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा फिगर हमने बनाया कि एक सिरा है जो कुछ इस तरह से हृदय की तरफ जा रही है, एक सिरा है जो इस तरह से हृदय की तरफ जा रही है, और हमने बताया कि इसके आंतरिक दीवारों पर ऐसे वॉल्व पाए जाते हैं। तो हमने एक वॉल्व भी यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये वॉल्व करते क्या है? जैसे ही यहां से ब्लड यानी रक्त, जैसे ब्लड जैसे ही यहां से इनफ्लो होगा अंदर की तरफ और ऊपर जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों, जैसे ही ये वॉल्व ओपन होगा और रक्त तो एक बार ऊपर चला गया, ब्लड जो है एक बार ऊपर चला गया, तो फिर वो दोबारा वापस नीचे नहीं आएगा। रक्त जब एक बार ऊपर चला जाता है तो फिर दोबारा वापस नीचे नहीं आएगा। तो इसका फायदा है क्या होगा, ये क्यों ऐसा बनाया गया है? क्योंकि देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो वेंस होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड, दोबारा से सुनिए, वेंस जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है शरीर से हृदय तक पहुंचाते हैं, ये काम करते हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, तो वापस फिर दोबारा नहीं आ पाएगा। तो इसका फायदा क्या है? वापस नहीं आएगा तो क्योंकि वो अशुद्ध रक्त है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रक्त। तो यही यहां पर हमने लिख दिया, ये कैसा ब्लड है? ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटामिनेटेड ब्लड है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे कब आएगा? जब लंग्स के द्वारा पुनः इसका जो है प्योरिफिकेशन कर दिया जाएगा, लंग के द्वारा फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ और ऑक्सीजन अंदर की तरफ कैरी कर लेगा, तो फिर से धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाएगा। समझ में आया? ये तरीका होता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि धमनियों को और सिराओं को काट दिया जाए तो किसके कटने से व्यक्ति सबसे ज्यादा जल्दी मरेगा? उसके सिराओं या धमनियों में से कौन सा ऐसा वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है जिसके कटने से व्यक्ति जल्दी मरेगा? तो आपका आंसर होगा सिराएं। सिराओं के कटने से व्यक्ति जल्दी इसलिए मरता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में क्या हो जाता है? फैल जाता है। बात समझ में आई? यही इसकी इंपॉर्टेंस ही है। तो दो आपने समझा, महाधमनियों को या धमनियों को और सिराओं को समझा, यानी कि आर्टरीज और वेंस को आपने क्लियरली समझा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैपिलरीज क्या होती हैं, जो इसका तीसरा भाग है, उनको हम लोग कहते हैं वाहिकाएं यानी कि कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती हैं इसके बारे में समझिए। यहां पे हमने लिख दिया कैपिलरीज, कैपिलरीज यानी कि वाहिकाएं। और ये देखते हैं वाहिकाएं क्या है, वाहिकाएं क्या है और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इनका। ठीक है, तो ये देखते हैं वाहिकाएं। देखिए, जैसे वाहिकाएं सबसे पतली, सबसे पहली बात यह है कि सबसे सबसे पतली यानी मोस्ट नैरो, सबसे पतली रक्त नलिका होती है, रक्त नलिका, सबसे पतली रक्त नलिका होती है यानी कि द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पतली जो है रक्त नलिका होती है, कौन कौन? कैपिलरीज की मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे पतली रक्त नलिका होती है। ठीक है, ओके। दूसरा काम क्या है, ये क्या करती है? शरीर के टॉप मोस्ट यानी सबसे सबसे ऊपर के या सबसे नीचे के छोर तक पहुंचती है, शरीर के उत्तकों तथा कोशिकाओं तक पहुंचती है, शरीर के उत्तकों तथा कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं या उत्तकों कहना सही रहेगा, कोशिकाओं कहना, उत्तकों तक पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है। अब पहुंचेगी तो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी धमनियों के द्वारा ये कनेक्ट होती है, और जब उत्तकों तक पहुंचेगी तो ऑक्सीजन जो है उत्तकों तक जाएगा, उससे फिर यानी कि टिश्यूज तक जाएगा, और टिश्यूज से फिर सेल्स तक चला जाएगा। उत्तकों को हम लोग इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। ठीक है,
तो उत्तकों तक पहुंचती हैं। और चौथा है, सॉरी तीसरा पॉइंट है इसका, कि ये सिराओं सिराओं और धमनियों, ये सिराओं और धमनियों के बीच लिंक लिंकेज का काम करती है, यानी कि संयोजन का काम करती है, संयोजन संयोजन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू ऑट टू नो दैट व्हाट। सबसे पतली रक्त नलिका जो है कैपिलरीज होती है, सबसे शरीर के उत्तकों तक पहुंचती है यानी टॉप मोस्ट टिश्यूज तक पहुंचने का काम करती है। जो तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग ये कहते हैं सिराओं और धमनियों तक, सिराओं तथा धमनियों के बीच में एक लिंकेज का कार्य करती है, ये जो है इनका फंक्शन होता है। समझ गया? तो ये थे हमारे तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स जिसके बारे में हमको अध्ययन करना था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू नो। ओके, अच्छा अब इसके बाद जो है हम लोग हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन हृदय के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारी अगली, इससे संबंधित अगली कक्षा होगी, और साथ में हृदय भी पढ़ेंगे और साथ में रक्तचाप भी देखेंगे कि रक्तचाप क्या होता है और रक्तचाप बच्चों में कितना होता है और बड़ों में वयस्कों में कितना होता है। एक बच्चा जो है या जिसको चाइल्ड में जो है ये ब्लड प्रेशर कितना होता है और साथ में एडल्ट में ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य रक्त दाब कितना होता है जहां से क्वेश्चन आता है, सामान्य रक्त दाब को मापने का यंत्र क्या होता है, किस यंत्र के द्वारा इसका मापन किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के साथ इसका संबंध यानी कि रिलेशन क्या होता है, और वो कौन सा शरीर के हृदय के अंदर वो कौन सा हिस्सा होता है जहां से जिसके कारण जहां से भी कह सकते हैं जिसके कारण हृदय में इंपल्सन होता है, कंपन होता है और रक्त का ब्लड का फ्लो जो है हमेशा प्रॉपर बना रहता है, और हम दौड़ते हैं तो हमारे अंदर रक्त का स्राव तेज क्यों हो जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे हृदय। ठीक है, और हृदय से संबंधित अध्ययन। थैंक यू वेरी मच क्लास, आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए हमारे वीडियोज को और साथ में ट्राई टू सब्सक्राइब इट्स मेरी मोर। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।